गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योगेंद्र सिंह, योर इंग्लिश टीचर. स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू विल बी फिट एंड सेफ एट योर होम एंड यू आर डूइंग योर स्टडी सीरियसली. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो आई एक्सप्लेन the chapter number 1, the butterfly, written by Hans Christian Andersen. Today I will tell you about word meanings. First word is glanced. Glanced means looked at quickly. Critical. Critical, serious. Demurely, slip. Maidens, young girls. Engaged, to be married. मैरिड होने के लिए. वियरिसम, टायरिंग. प्रोफेसी, फॉरटेल. अर्डेंटली, ईगरली. नंबर 9, प्रोपोज. प्रोपोज मीन्स आस्क फॉर समवन फॉर हर हैंड इन मैरिज. किसी से मैरिज के लिए पूछना, प्रस्ताव रखना. सेंटिमेंटल, वेरी इमोशनल, बहुत ही भावुक. विदर्ड, ड्राइड. एंड सैरो, पेन. रिडिकुलस, वेरी फनी, बहुत ही मजाकिया जिसे बोलते हैं, फनी. बैचलर, बैचलर अनमैरिड, जिनकी शादी ना हुई हो. कंसोलेशन, सेट ऑन द एज. पर्चू, कंफर्ट. एंड मैनकाइंड, ह्यूमन बीइंग, रेस. स्टूडेंट्स, यू विल लर्न ऑल द वर्ड मीनिंग्स. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. See, answer the following questions. Question number 1. Why did the butterfly go to the daisy? Butterfly daisy ke paas kyun gaya tha? What did he ask her? Usne usse kya maloom kiya, kya poocha? Answer. The butterfly wished for a bride. Butterfly ek bride ki ichha थी उसकी. ही वॉन्टेड टू चूज अ वेरी प्रेटी वन फ्रॉम अमंग द फ्लावर्स. और वह उन फ्लावर्स में से एक सुंदर को चुनना चाहता था. सो ही वेंट टू द डेजी. इसलिए वो डेजी के पास गया था. ही आस्क्ड हर विच ब्राइड वुड बी हिज. उसने उससे पूछा कि कौन सी ब्राइड, कौन सी दुल्हन उसकी होगी. When he knows, जब वह ये जानता है तो he would fly directly to her and propose. और जब उसको ये मालूम हो जाता है तो वो तुरंत सीधा उठता है और उसके पास जाता है and propose, और उसको प्रपोज करता है. Second question, which flower did he look at and why did he not like them? उसने कौन से फ्लावर को देखा और why did he not like them? और उसको क्यों नहीं पसंद किया? He looked at the violet, apples, roses, tea and mint. इनको उन्होंने देखा, उसने देखा. He did not like them. उसने इनको पसंद नहीं किया.
बिकॉज क्योंकि दे हैड लॉन्ग फेसेस, क्योंकि उनके लॉन्ग फेसेस थे एंड सैलो कॉम्प्लेक्शंस. क्वेश्चन नंबर थ्री, गिव अ करेक्टर स्केच ऑफ द बटरफ्लाई. बटरफ्लाई का करेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण दीजिए. आंसर, द बटरफ्लाई हु विशेस द मैरी, हु विशेस टू मैरी अ फ्लावर. अनफॉर्चुनेटली फॉर हिम द एक्सपेक्टेशंस विच ही has of his future wife. तो butterfly जो ये यानी मैरी के लिए एक फ्लावर से मैरी के लिए इच्छा रखती थी शादी के लिए, दुर्भाग्य से फॉर हिम उसके लिए द एक्सपेक्टेशंस विच ही हैज ऑफ हिज फ्यूचर वाइफ आर वेरी हाई. तो वो बहुत उच्च थी, उसके फ्यूचर की वाइफ की जो उसकी इच्छाएं थी वो बहुत उच्च थी. He decides, वह decide करता है कि none of the flowers that he sees are worthy of being his bride. यानी जो flowers उसने देखे हैं उनमें से कोई भी उसकी bride के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है. Next question number 4, what happened when the butterfly reached the mint? क्या हुआ जब बटरफ्लाई मिंट के पास पहुंचा. आंसर, द बटरफ्लाई टोल्ड दैट, बटरफ्लाई ने बताया कि ही वुड टेक हर, वह उसको ले जाएगा. एंड ही मेड हर एन ऑफर, और उसको उसने ऑफर दिया. बट द मिंट स्टूड साइलेंट, परंतु मिंट जो है वो साइलेंट रहा. And stiff as she listened to him, और बिल्कुल silent उसको जो है उसने सुना. At last, अंत में she said, उसने कहा, friendship if you please, friendship केवल मित्रता अगर आप चाहते हो तो, nothing more इसके इससे ज़्यादा कुछ नहीं. I am old and you are old, मैं भी old हूँ आप भी old हैं, but we may live for each other. हम एक दूसरे के लिए रह सकते हैं, जस्ट द सेम एज टू मैरी. नो डोंट लेट अस अपीयर रिडिकुलस टू आवर एज. अब हमारी जो एज है वो ऐसे नहीं है जो हम अपनी लाइफ को जो है बहुत फनी टाइप से बिताएं. क्वेश्चन नंबर 5, विच सीजन डज द राइटर Describe and how. कौन से सीजन को राइटर वर्णित करता है and how और कैसे. Answer, it was late in the autumn with rainy and cloudy. ये autumn weather था, rainy और cloudy वाला. The cold wind blew over the bow. Cold wind चली over backs of the willows so that they created again. It was not the weather for flying about in summer clothes. ये ऐसा weather नहीं था जैसे summer में जो clothes हैं वो fly होते हैं. But fortunately, परंतु भाग्य से, the butterfly was not out mint. ये मिंट के आउट नहीं था. ही हैड गॉट अ शेल्टर बाय चांस, और इसको बाय चांस जो है शरण मिली थी, शेल्टर ली थी इसने. इट वॉज इन अ रूम हीटेड बाय अ स्टोव एंड एज स्वार्म एज समर ही कुड एक्सिस्ट देयर. ही सेड वेल एनफ. स्टूडेंट्स, these are all 5 question and answer and word meaning also, and the remaining exercise of this chapter I will solve in the next video. You will note all the word meaning and question answer
in your notebook. Okay, students, all the best.